गुड आफ्टरनून एवरी वन अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू आप सभी का स्वागत किया जाता है वाई फाई स्टाडी ये स्टूडियो चैनल पर जो कि एक पार्ट है अनएकेडमी का सो बिल्कुल आ जाइए इस सेशन को जुड़ जाइए आज हमारी है संडे स्पेशल क्लास येस दो बज चुके हैं गाइज़ और बहुत बढ़िया धमाकेदार अंदाज में आज हम लोग सेशन की शुरुआत करने वाले हैं सो जल्दी जल्दी से आ जाइए सेशन को हम लोग शुरू करेंगे बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही धमाकेदार अंदाज में शुरू करने वाले हैं सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं आज जो होने वाला है ना वो भैया आज के इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया जाएगा कि आप लोगों के लिए इतिहास के पन्नों का कहने का मतलब हमारा यहाँ पर ये हो गया कि आप लोगों के लिए इतना इजी रीअरेंजमेंट हो जाएगा आज के बाद से कि बिल्कुल भी आप लोगों को इश्यूज नहीं होंगे आज हम आपको दो तरीके से करना सिखाएंगे कल हम लोगों ने किया था ठीक है रीअरेंजमेंट किया था और देखते हैं कि क्या क्या आज आपके लिए खास आया है तो सबसे पहले बिल्कुल आ जाइए सब लोग समय पर एकदम आ जाइए और सभी लोग आ चुके हैं वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड आफ्टरनून हो चुका है वेरी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरी बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का चलिए आइए देखते हैं कि आज के पैसेज में आप लोगों के लिए क्या अच्छा नया चीज़ आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा आप लोगों को पता है गौरी मैम के सेशन में जुड़ना है दैट मीन्स कुछ नया होने वाला है ना गौरी मैम के सेशन में आना है तो कुछ ना नया ही आने वाला है कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए क्रिएट होने वाला है सो so, चलिए बिल्कुल आ जाइए बिल्कुल भी बिना किसी देरी के सेशन को शुरुआत करते हैं आप लोगों को मैं बता दूँ कि कल जो मेरी ट्वे थर्टीथ मे को मेरी थी आप लोगों की सैटरडे स्पेशल क्लास उस सैटरडे स्पेशल क्लास की अगर मैं बात करती हूँ सैटरडे स्पेशल क्लास हुई थी हमारी उस सैटरडे स्पेशल क्लास को हमने जो और उस रीअरेंजमेंट के टॉपिक को डिस्कस किया था ठीक है जो कि आप कह सकते हो पार्टन था पार्ट वन था जिसमें हम ने आपको टाइप बताए थे और आपको करने का प्रोसीजर बताया था कि आप किस तरीके से पेपर को अटेप्ट कर सकते हो जिसमें से रीअरेंजमेंट के पार्ट को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाएगा चलिए आइए आज भी कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले पार्ट टू है जिन्होंने भी पार्ट वन नहीं देखा है सैटरडे 11 एम का तो वो उन लोगों से मेरी हार्डली रिक्वेस्ट है वो सभी के सभी बच्चे सैटरडे को मतलब कल तीस वाले मे के लेक्चर को जाकर के देख सकते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर आपके जो लेक्चर है वो मेरा स्टूडियो चैनल पर मिल जाएगा ग्यारह बजे की क्लास में आप डाल सकते हो इंग्लिश बाय गौरी मैम या फिर आप डाल सकते हो रीअरेंजमेंट पार्ट वन बाय गौरी मैम या फिर रीअरेंजमेंट बाय गौरी मैम तीनों तरीके से आप सर्च कर सकते हैं इसके अलावा आप इस सेशन की लिंक भी मेरे फेसबुक पेज पर या मेरे टेलीग्राम पेज पर आप पा सकते हो आपको दोनों लिंक वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगी सो बिल्कुल आइए सेशन को शुरुआत करते हैं लेकिन सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोगों को पता है कि आपकी गौरी क्या करने आप लोगों को शेड्यूल एक बार कंफर्म कर देंगी सबसे पहले मॉर्निंग में मंडे टू सैटरडे हमारी जो क्लास होती है वो होती है मंडे टू सैटरडे सेवन ए एम पर हम लेकर के आते हैं द हिंदू एडिटोरियल जो कि आपका होता है वाईफाई फाइ डिफेंस चैनल पर ये जो क्लास होती है ये मंडे टू सैटरडे चलती है मतलब सिक्स डेज की क्लासेस होती हैं आपकी आरआरबी आरबी के जो क्लासेस होते हैं ये मंडे टू फ्राइडे चलाई जाती हैं सैटरडे नहीं चलाई जाती ये क्योंकि सैटरडे आपका होता है स्पेशल क्लास ठीक है आरआरबी पीओ का मेंस लेवल का बैच चल रहा है जिसमें इंग्लिश मेन्स में आती है एज यू ऑल नो कि आप लोगों को पता है आरआरबी के बैच में इंग्लिश जो है आपकी मेन्स के पेपर में आती है तो हम इस बैच में जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं पूरी मेन्स लेवल की पढ़ा रहे हैं और ये आपका बैच जो आता है वो वाई स्टडी बैंकिंग चैनल पर रिलीज होता है ठीक है उसके साथ ही साथ अगर हम मैं बात करती हूँ सेकेंड लेक्चर की तो ये क्लास मेरी मंडे टू फ्राइडे होती है मंडे टू फ्राइडे होती है और इस क्लास को भी हम दो बजे रिलीज करते हैं टू पी एम पर डेली ये क्लास रिलीज होती है फिर हमारी जो, क्लास होती है, वो होती है 3 पर, जो कि आप देख रहे 3 पर हमारी होती है पूरी की पूरी बेसिक टू एडवांस है ध्यान दीजिएगा ये जो क्लास है आपकी पूरी बेसिक टू एडवांस है ठीक है बेसिक टू एडवांस का सेक्शन इसमें चलेगा आप लोगों का बिल्कुल जीरो लेवल से है और एडवांस लेवल तक है इसमें आपको बेसिक से पूरे सारे पोर्शंस भी समझाए जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को क्वेश्चन के एरर भी कराए जाएंगे ठीक है थ्री पी का क्लास है वाईफाई स्टडी के लाइव टेस्ट चैनल पर चलाया जाता है तो कोई भी इस चैनल को जुड़ना नहीं बोलेगा कब चलाया जाता है वाई स्टडी के लाइव टेस्ट चैनल पर चलाया जाता है ठीक है उसके बाद आप लोगों को पता है रात में दस बजे अगेन मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास आती है बैंक प्लस एस की क्लास होती है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और इस फिफ्थ क्लास में भी जो टेन पी पर स्टार्ट होती है ये एक घंटे की होती है जिसमें बैंक प्लस एस दोनों को हम पढ़ाते हैं और इसमें भी बेसिक टू एडवांस है ठीक है तो आप सभी सेशन्स को देखिए सारे सेशन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर मैं वीक डेज़ की बात करती हूँ कि मैं वीक डेज में जो पढ़ा रही हूँ हर सेशन में अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आर में नाउन पढ़ाया है तो मैं सीजल में भी नाउन पढ़ा रही हूँ थ्री पी पर भी मैंने

जो क्लास का बैच होगा ये आठ बजे स्टार्ट होगा ये ट्वेंटी फाइव डेज़ का फंडामेंटल बैच शुरू किया गया है ट्वेंटी फाइव डेज़ का ये बैच है आपका ट्वेंटी फाइव डेज बैच किया गया है इसमें आपकी थ्री रेगुलर क्लासेस होंगी थ्री जो क्लासेस होंगी वो रेगुलर फॉर्म में होंगी और इन तीन रेगुलर के बाद एक आपका डाउट सेशन होगा मतलब हर तीन क्लासेस के बाद आपको एक डाउट सेशन मिलेगा किस बैच में इस बैच में ये आप लोगों को अगर आप में से कोई भी बच्चा इसको ज्वाइन करना चाहता है तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हो इस बैच को आप लोगों को सबसे पहले अनएकेडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा अन आप लोग जब ऐप डाउनलोड कर रहे थे तो उसमें आपको एस एस सी जी एल या फिर एस एस सी अपने कोर्स को सेलेक्ट करना होगा कोर्स को सेलेक्ट करने के बाद आपको मेरे नाम से बैच को सर्च करना है इंग्लिश बाय गौरी मैम ठीक है या फिर आप गौरी मैम को भी सर्च कर सकते हो इंग्लिश बाय गौरी मैम करके भी कर सकते हैं या फिर सिर्फ गौरी मैम ही दिख सकते हो आपको वहाँ पर मेरा बैच शो होने लगेगा ये जो बैच है मेरा आप लोगों का एस uh, एस से रिलेटेड होगा प्योरली एस एस टू रिलेटेड है बेसिक टू एडवांस हम लेकर के चलेंगे यहां पर भी और पूरा मीन्स तक एक पोर्शन को यहां पर हम आपका कवरअप करेंगे ठीक है दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो बैच है फर्स्ट जून से रिलीज़ किया जाएगा और रात के आठ बजे पर रिलीज़ किया जाएगा एट ए पी एम पर यह क्लास चलेगी आपकी फर्स्ट जून से ठीक है फर्स्ट जून से रिलीज करने के साथ ही साथ आपको इस बैच में वन ईयर की वैलिडेशंस मिलेंगी पूरा एक साल तक ये आपका बैच जो है वो पूरा आप लोगों के लिए रहेगा एक साल के लिए बैच आपका पूरा वैलिड रहेगा जिसमें आप लोग एस एस सी की कोई भी क्लास को कर सकते होंगे ठीक है आपको इसको परचेज करने के लिए बट हाँ ये प्लस का क्लास होगा तो ये पेड होगा नो डाउट ये पेड बैच होगा और पेड बैच को आप सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप अन अकेडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए न केवल इस बैच के लिए बल्कि अदर किसी भी बैच के लिए आप इस कोड को यूज कर सकते हैं जो कि कोड है जी ए यू आर आई वन जीरो गौरी टेन जिससे आपको टेन परसेंट का सीधे सीधे रिलैक्सेशन मिल जाएगा ध्यान रखिएगा ये जो बैच हम लोग लेकर के आ रहे हैं ये ट्वेंटी फाइव डेज का फंडामेंटल बैच है ट्वेंटी फाइव डेज का फंडामेंटल है इस 25 डेज में मैंने कुछ टॉपिक ही लिए पूरा टॉपिक या पूरा इंग्लिश नहीं लिया है केवल कुछ मेन मेन टॉपिक लिए जो आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं उसी से रिलेटेड है अब आपको मैं इसका कोर्स बता देती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को ये मिलेगा देखिए सबसे पहली बात आपको यहाँ पर थ्री सेशंस मिलेंगे आपको तीन सेशन मिलेंगे डेली ठीक है तीन क्लासेस मिलेंगी पर डे और हर तीन क्लासेस के बाद एक क्लास आपकी होगी डाउट सेशन की ध्यान से देखिएगा मेरी सुनिएगा बात को मैंने आपको क्या बोला कि ये जो क्लास होगी आप लोगों की ये इसमें जो कोर्सेज चलाए जाएंगे वो कैसे चलाए जाएंगे आप लोगों की पर डे वन क्लास होगी मतलब तीन दिन आपकी क्लास के बाद थ्री डेज क्लास के बाद थ्री डेज क्लास के बाद आप लोगों को यहाँ पर वन डे का डाउट सेशन मिलेगा और वन डे डाउट सेशन के बाद अगेन आप लोगों को फिर से थ्री डेज की क्लास मिलेगी मतलब हर तीन दिन के बैच के बाद आपको तीन दिन क्लास करने के बाद उस तीन दिन के टॉपिक का एक पूरा घंटे का डाउट सेशन मिलेगा फोर्थ क्लास आपकी जो होगी वो उन तीन दिनों का डाउट सेशन लेकर के आएगी इसके अलावा फर्स्ट डे से काउंट होगा सेवन डेज सातवें दिन जब सेवन सेवन्थ डे आएगा सातवां दिन आएगा तो उस समय होगा आपका मेगा क्विज ठीक है मतलब सात दिन में हमने जो कुछ भी पढ़ा होगा उससे रिलेटेड आप लोगों का होगा टेस्ट जो आप लोग ऑनलाइन देंगे एक क्विज के थ्रू आई होप आपको बैच के बारे में सब कुछ क्लियर हो चुका है सो so, इस पर भी आप लोग जुड़ना मेरे साथ नहीं भूलेंगे इसके साथ ही साथ ये आप मेरा टेलीग्राम चैनल है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल जो है मेरा इंग्लिश बाय गौरी मैम के नाम से है आप लोग इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा इसमें इस समय पंद्रह प्लस स्टूडेंट्स हो चुके हैं ठीक है ध्यान दीजिएगा आप इसमें आपको दो आ, मिलेंगे एक आपको डिस्कशन का मिलेगा और एक मेरा दोनों पर आप ज्वाइन कर सकते हो आप लोग इस पर डिस्कशन करिए क्वेश्चन को लेकर के आप लोगों को हर एक सेशन की पी डी पर प्रोवाइड करी जाएगी इसके साथ ही साथ ये ये मेरा फेसबुक पेज है इंग्लिश बाय गौरी मैम आप आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोगों को बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इंग्लिश बाय गौरी मैम के नाम से ठीक है फेसबुक पर आप लोग ध्यान रखिएगा आपको सारी अपडेशन मिलेंगी आप लोगों को क्लासेस से रिलेटेड सारी अपडेशन मिलेंगी क्लास से रिलेटेड का मतलब है आप लोगों को क्लास शुरू होने से पहले क्लास का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा आप लोग शेड्यूल

सबसे पहली बात आप लोगों को जो हमने बताया था कि भाई इसको किस तरीके से किया जाता है सबसे हम पहले उसी को डिस्कस करेंगे ठीक है हमने आपको यहाँ पर पाँच से छः टाइप बताए थे कि इसको डिस्कस करने के पाँच से छः टाइप होते हैं है ना पाँच से छः टाइप होते हैं आइए ज़रा देखते हैं कौन कौन से पाँच से छः टाइप है, है ना चलिए आइए आप लोगों को एक टाइप कल हमने कराया था जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन बेस्ड पर हमने कराया था मतलब कुछ रीअरेंजमेंट ऐसे होते हैं जिसमें इस तरीके से आपको सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे और उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर वन कि आफ्टर द रीअरेंजमेंट पहला सेंटेंस कौन सा होगा आपसे एग्जामिनर इस तरीके से पूछता है फिर क्वेश्चन नंबर टू आपसे बोला जाएगा आफ्टर द रीअरेंजमेंट फोर्थ सेंटेंस कौन सा होगा मतलब जरूरी नहीं इसमें सारे सेंटेंस कर अरेंजमेंट मांगे हो सकता हो एग्जामिनर आपसे कुछ एक दो एक दो करके मांगे या हो सकता हो पूरे भी मांगे बट ये वाला पोर्शन कैसे आता है क्वेश्चन के बेस पर आता है नाउ कमिंग टू द सेकंड अब आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक मेरा पार्ट वन नहीं देखा था देखो जो लोग पार्ट वन नहीं देखेंगे उनको पार्ट टू थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं पार्ट वन में ऑलरेडी पूरा डिस्कशन कर चुकी हूं पार्ट वन में मैंने पूरे पैटर्न को बताया है कि अब तक आपके पेपर में कितने पैटर्न आ चुके हैं एस वन का पैटर्न आ चुका है एरर डिटेक्शन पर पैटर्न आ चुका है ये yes, रीअरेंजमेंट पे एरर डिटेक्शन के थीम पर पैटर्न आ चुका है तो सारे पैटर्न को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है आप लोगों को कुछ नहीं करना है आप लोगों को सैटरडे 30 मई की क्लास में जाकर के जो कि क्लास कंडक्ट करी गई थी ग्यारह बजे आप लोगों को रीअरेंजमेंट की क्लास देखनी है मेन चैनल स्टूडियो चैनल पर आपको वो क्लास मिल जाएगी ठीक है चलो देखो बहुत बढ़िया सब लोग एक्टिव हो गए दैट्स वेरी गुड बहुत देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि सारे बच्चे एक्टिव हैं दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग बहुत 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 बढ़िया सब लोग बहुत अच्छे हैं भाई बहुत अच्छे क्लैपिंग फॉर यू गाइज एंड जस्ट इसी तरीके से हमेशा एक्टिव रहिए इसी तरीके से चीज़ों को सीखते रहिए देखिए सिलेक्शन बहुत दूर नहीं है जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो भी आप में से ही एक होते हैं जो वो कोई अलग से नहीं करते हैं बस वो अपने पढ़ाई को एक थीम वाइज करते हैं कि मुझे कितने पोर्शन पर कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस का पार्ट आता है वो आपका इंग्लिश मैथ्स ही आता है सबसे ज्यादा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मैथ्स और इंग्लिश अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी क्योंकि हर पेपर में मैथ्स और इंग्लिश पूछा जाता है तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नए पैटर्न को लेकिन आपको करने का मैंने तरीका बताया था कि आपको कैसे करना है मैं फिर से एक बार आप लोगों को तरीका बता देती हूं करने का तरीका क्या होता है रीअरेंजमेंट्स को ठीक है जिनको पैटर्न पर डिस्कशन करना है वो पैटर्न के लिए फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं देखिए करने का सबसे बेस्ट वे होता है कि सबसे पहले आपको रीड करना होगा पैरा को सबसे पहले यू हैव टू रीड पैरा आप लोगों को पैरा को रीड करना है रीड करने के बाद आपको समरी निकालनी है कि ओवरऑल यहां पर बात हो रही है समरी जज करनी है यहां पर बात क्या हो रही है समरी का मतलब तब हो गया आपको टॉपिक जज करना है कि ओवरऑल पैसेज में बात क्या करी गई है राइट इतनी चीजें क्लियर है बिल्कुल देखिए जिनका भी कल भी अगर जिनको डाउट रह गया था ना उनको आज पर बता दे रहे तो बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी पोर्शन को इशू नहीं आना चाहिए हर एक चीज समझ में आनी चाहिए आप लोगों को तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत ध्यान से समझेंगे हम सारी बातों को गाय देखो सबसे पहले यू हैव टू रीड द पैरा आप लोगों को सबसे पहले पैरा को रीड करना है उसके बाद आपको उसकी समरी को निकालना है कि यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है समरी क्या है समरी ऑफ द पैसेज मतलब ओवरऑल बात क्या करी गई वुमेन एम्पावरमेंट करी गई है इम, आ, के बारे में करी गई है या फिर किसी भी करंट मैटर को लेकर के बात हो रही है? तो सबसे पहले आपको मैटर डिस्कस करना है देखना है कि बात किस बारे में हो रही है जब आपने टॉपिक डिस्कस कर लिया आपने समरी देख ली कि ओवरऑल पैसेज किस बारे में बात कर रहा है उसके बाद आप क्या ढूंढते हो इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढोगे ठीक है या फिर इंट्रोडक्शन ढूंढोगे इंट्रोडक्शन का मतलब हो गया कि कौन सी ऐसी लाइन है दी गई लाइंस में से कौन सी ऐसी लाइन है जो इस टॉपिक को इंट्रोडक्शन कर रही है मतलब इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रही है ठीक है मान लीजिए मान लीजिए आपके पास ये कुछ सेंटेंसेज दिए हुए हैं ठीक है सपोज मान लो ये एक सेंटेंसेज दिए हुए हैं ये सारे के सारे सेंटेंसेज वुमेन एम्पावरमेंट पर बात कर रहे हैं चलिए लेते हैं क्या कौन टॉपिक पे बात करें वुमेन एम्पावरमेंट

मैं जब सेशन की शुरुआत करती हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून वॉट एवर जो भी टाइमिंग होता है उसके बाद क्या कहती हूँ मैं मैं आपकी मैंट और गोरी दैट मीन्स मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ तो हमेशा ध्यान रखिएगा इंग्लिश का जो लैंग्वेज होता है वो जस्ट और जस्ट उसमें जो रीअरेंजमेंट का पार्ट होता है वो पूरा का पूरा पार्ट आपके डिपेंड करता है किस पर वो पूरा का पूरा पार्ट आपका डिपेंड करता है आपके वे ऑफ समझने के ऊपर कि क्या आप अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा आप अंडरस्टैंड कर ले जाते हो

कितना ज्यादा आप समझते हैं और पैरा से आप कितने हैबिचुअल हैं ठीक है ये तो देखो वुमेन एम्पावरमेंट हो गया अब मान लो यहाँ पर कोई भी ऐसा टॉपिक आ जाता है फाइनेंस रिलेटेड आ जाता है फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक आ जाता है या मान लीजिए हम कहते हैं फाइनेंस से रिलेटेड ना होते हुए मान लीजिए किसी भी पॉलिटिकल चीजों से रिलेटेड आ जाता है पैरा अब आप लोगों को हो सकती है दिक्कत क्यों दिक्कत हो सकती है अगर फाइनेंस के टॉपिक पर या फिर पॉलिटिकल टॉपिक पर या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप हैबिचुअल नहीं हैं जिस टॉपिक से आप हैबिचुअल नहीं हैं अगर तब आप लोगों को उसको रीअरेंज करने में दिक्कत हो जाएगी क्यों दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पर बात क्या करी जा रही है ठीक है अब समझिएगा यहाँ पर आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया आपने रीड किया पैरा फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा रीडिंग सेकंड स्टेप क्या होगा यू हैव टू अंडरस्टैंड द समरी ऑफ द पैसेज आपको पैसेज की समरी को समझना होगा थर्ड स्टेप आपका क्या होगा जब आपको समरी समझ में आ जाएगी समरी का मतलब है कि ये जो दी गई लाइनें हैं ये किसके बारे में बात कर रही हैं जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप उसमें ऐसी लाइन ढूंढोगे कि उस पूरे के पूरे पैरा को जो इंट्रोड्यूस कर रही होगी इंट्रोडक्शन दे रही होगी फिर दूसरी चीज़ इंट्रोडक्शन वाली लाइन आपकी जो फोर्थ आपका होगा मान लो आपने इसमें से मान लीजिए हमने ये सेवन लाइन पढ़ी ठीक है ये जो यहाँ पर ये सात लाइनें दी हैं हमने इसको पढ़ा और हमें समझ यहाँ पर पर वुमेन वुमेन के के बारे में बात हो है, के बारे में में बात बात हो हो रही रही है 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 ठीक ठीक अब हमने क्या किया इस सातों में से हमने कुछ लाइंस को उन लाइंस को फोकस किया जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो सपोज मान लो कि आपके पास दो से तीन लाइन कट के आ गई बाहर ठीक है आप लोगों को लगा अच्छा एक एग्जाम्पल बता रहे समझना आपको लगता है अच्छा दो में फोर में और सिक्स में टू फोर और सिक्स में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है टॉपिक का ठीक है टू में फोर में और सिक्स में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है ठीक अब जब आपने इंट्रोडक्शन की अब आपके पास देखो सेवन लाइन से कट के कितना पोर्शन हो गया तीन लाइनों का पोर्शन बचा जब आप इन तीन लाइनों में आपको क्या ढूंढना है आपको तीन लाइनों में ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जो कि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है और वुमेन एम्पावरमेंट के या फिर किसी भी मैटर पर जिस पर टॉपिक आया है उस मैटर को इंडिपेंडेंटली आजादी के साथ किसी पर बिना डिपेंड हुए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा समझ में आ गई बात जल्दी से मुझे कमेंट कर दो कि मैम क्लियर है जस्ट डू वन थिंग जस्ट डू वन थिंग इतना अच्छा मज़ेदार सेशन लेने के लिए इतनी सारी चीज़ों को सीखने के लिए बिना किसी रूल के जस्ट इज अबाउट द ट्रिक और अंडरस्टैंडिंग इन चीजों को सीखने के लिए सेशन को शेयरलाइक कर दीजिए फटाफट से सेशन को शेयर लाइक कर दीजिएगा बिना देरी किए हुए यू हैव टू डू यू हैव टू डू इट ठीक है जस्ट डू वन थिंगाइज यू हैव टू ओके okay, uh, हमने लाइक कर दिया दैट्स ग्रेट 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 सो अगर जिन्होंने लाइक कर दिया थैंक यू फॉर सो मच थैंक यू सो मच आप लोगों ने लाइक किया बट जिन्होंने लाइक नहीं किया है अभी तक और जो मजे से इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं हम है ना कोई भी पैसा नहीं ले रहे हैं आप लोगों से राइट तो आप लोग क्या कर सकते हो भाई एक लाइक और शेयर तो कर सकते हो ना आप अपनी मैम के लिए तो फटाफट से जस्ट डू वन थिंग यू हैव टू जस्ट हिट द बटन ऑफ लाइक एंड शेयर द सेशन ठीक है चलिए अभी इतना पोर्शन क्लियर है ना कि सबसे पहले आपको क्या करना है पैरा की रीडिंग करनी है दूसरा पॉइंट आपको क्या करना होगा उस रीडिंग को करते समय आपको ये समझना है कि पैरा में बात क्या करी जा रही है ठीक है अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत आती है तो आप एक काम कर सकते हो आपके पास एग्जाम में एक ए फोर शीट दी होती है ठीक है एक ए फोर शीट दी होती है तो आप उस ए फोर शीट को यूज़ है, करो तो और मान लो आपके फर्स्ट में मान लीजिए हमने बात करी वुमेन एम्पावरमेंट की तो आपने बहुत ही शॉर्ट में लिख लिया कि यहाँ पर बात क्या हो रही है फिर सेकेंड लाइन में लिख लिया आपने यहाँ पर बात क्या हो रही है थर्ड लाइन में आपने लिख लिया ऐसे कि आपकी यहाँ पर बात क्या हो रही है तो देखो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको बार बार लाइंस पढ़नी नहीं पड़ेंगी ठीक है बार बार पैरा में नहीं जाना पड़ेगा आप उस ए शीट से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा फर्स्ट लाइन में ये बात हो रही है सेकंड में ये बात हो रही है थर्ड में ये बात हो रही है फोर्थ में ये बात हो रही है आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं करना पड़ेगा पूरा रीड नहीं करना पड़ेगा ठीक उसके बाद जो भी टॉपिक पर डिस्कस होगा उसको इंट्रोड्यूस करती इंट्रोडक्शन वाली लाइन या तो नाउन से शुरू होती है या तो प्रोनाउन से होती है ऐसा हमारा भ्रम होता है ठीक है लेकिन अगर एग्जामिनर ने आपको न्यूज के मिडिल से उठा करके पैसेज दे दिया मान लीजिए ये एक न्यूज है एक सिंपल सा फंडा समझते हैं ये क्या है आपका एक न्यूज है ठीक है न्यूज के इस पोर्शन को मैंने अगर दे दिया आपका ये जो स्टार बना हुआ है ये पोर्शन अगर मैंने दे दिया तो ये तो कंजंक्शन से भी शुरू हो सकता है है ना तो सेंटेंस किसी से भी शुरू हो सकता है डिपेंड करता है एग्जामिनर ने उसको आपको दिया कैसे है ठीक है वो स्टार्टिंग यहाँ से भी पैर आ सकता है यहाँ से भी पैर सकता है मिडिल से भी पैर सकता है लास्ट से भी पैर सकता है डिपेंड ऑन द एग्जामिनर क्लियर है बात हाँ या ना लेकिन रीअरेंजमेंट को करने के लिए प्रेजेंट की सारी न्यूज से आप लोग प्लीज अपडेटेड रहिएगा अपकमिंग एग्जाम्स जितनी भी वैकेंसीज आएंगी अभी एसबीआई की वैकेंसी आ जाएगी आप लोगों के पास सब चीजों का एस का रिजल्ट आ जाएगा और सारी चीजें आप लोगों के पास आ जाएंगी ठीक है तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स और वैकेंसीज आने वाली है उसके लिए प्रिपेयर रहना है ठीक है गाइज समझ में आगे बात अब देखो इंडिपेंडेंट जब आप देखोगे इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया मान लो मैंने आपसे बोला मेरा नाम गौरी है ठीक है मैंने आपको बोला मेरा नाम गौरी है अब मैंने आगे का कुछ भी नहीं बताया आपको और टॉपिक स्टार्ट कर दिया और हमने टॉपिक के एंड में आपको बोला कि इस टॉपिक के नाम को जानने के लिए और इस टॉपिक की ट्रिक को जानने के लिए सेकेंड पोर्शन में, में मेरे साथ जुड़िए सेकेंड वीडियो में, में मेरे साथ जुड़िए दैट मीन्स ये वीडियो आपके लिए यूजलेस हो गया है ना अगर मैंने इसमें ट्रिक नहीं बताई आपको इस वीडियो में मैंने आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन नहीं किया तो ये टॉपिक कैसा हो गया आपके लिए यूजलेस हो गया इसीलिए इसीलिए आपसे बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंट लाइन दैट मीन्स वो अपने मीनिंग को बताने के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगी क्लियर है पहला पार्ट आप ऐसे सर्च करते हो लास्ट का जो पार्ट होता है वो हमेशा समरी ऑफ द पैसेज होता है ठीक है वो उसमें क्या आएगा कंक्लूजन आएगा कंक्लूजन आता है कंक्लूजन का मतलब होगा कि ओवरऑल पैसेज क्या बात कर रहा था उससे कंक्लूजन निकल के क्या आ रहा है उससे समरी निकल के क्या आ रही है उससे रिजल्ट निकल के क्या आ रहा है ठीक है उससे क्या रिजल्ट निकल के क्या आ रहा है तो ये आपके जाएंगे लास्ट पैरा में कि सबसे जो आखिरी की लाइन होगी वो ओवरऑल द समरी ऑफ द पैरा बताएगी कंक्लूजन बताएगी रिजल्ट बताएगी क्लियर है बात हाँ या ना जल्दी से मुझे कमेंट कर दो यस मैम क्लियर है चलिए आइए बढ़े एक पैसेज की तरफ पैसेज सॉल्व किया जाए चलो जल्दी से मुझे बता दो यस वी आर रेडी फटाफट से जस्ट डू वन थिंग गाइज एक कमेंट मुझे कर दीजिए यस मैम वी आर रेडी जस्ट डू वन थिंग आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट जस्ट डू वन थिंग जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है ना बस एक कमेंट कर दो मैम वी आर रेडी फॉर द पैसेज जस्ट रेडी 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 कम ऑन गाइज कम ऑन बैंग ऑन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जल्दी से कर दो यार फटाफट से ओके ग्रेट 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 अच्छा एक बात बताओ इतने सारे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं प्रेजेंट में तो इतना कम लाइक और शेयर क्यों है क्यों है इतना कम लाइक और शेयर जल्दी से लाइक और शेयर कर दो है ना बिना किसी देरी के फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दो बढ़िया तरीके से बढ़िया बढ़िया अंदाज में फटाफट से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा ठीक है चलिए चलिए बहुत बढ़िया चलिए आइए पैसेज पर पढ़ते हैं रेडी 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 ऑल ऑफ यू आर रेडी दैट्स ग्रेट 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 देखो बहुत बढ़िया अच्छा अच्छा हाँ एक बात बता दें हम हम जैसे कभी भी आपको पढ़ाते हैं जब हम पढ़ाते हैं तो उस समय अगर हम किसी का नाम नहीं ले पाते हैं कोई बच्चे का नाम रह जाता है तो प्लीज़ बुरा मत माना करिए आप लोग होता क्या है ना कि इतने फ्लो में सारे कमेंट्स जाते हैं कंटिन्यू लाइव क्लास चल रही है फ्लो में कमेंट्स जा रहे हैं और हम पढ़ाने पर दिमाग लगा रहे हैं जब हम एक चीज समझा रहे तो उसके बाद हम कमेंट्स को ऐसे करके देखते हैं तो काफ़ी कमेंट्स ऊपर चले जा चुके होते हैं तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है हम कमेंट्स को स्क्रॉल करके देख लेते हैं और नाम ले लेते हैं ठीक है अगर किसी का नाम छूट जाता है तो बुरा मत मानिएगा ठीक है चलिए आइए पढ़ते हैं देखिए आपके सामने एक पैसेज दिया हुआ है जिसकी तीन लाइनें आपको मेंशन

पहले पैरा में आपसे कहा जा रहा है टू पुट इट इन परस्पेक्टिव अगर मतलब हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं दे हैव बीन थ्री ट्वेंटी एट अटेम्प्ट मेन मेन पॉइंट्स को ध्यान रखना कि हम इन चीज़ों को अगर ध्यान रखते हैं तो देर हैव बीन थ्री ट्वेंटी एट सो वार बाय अदर कंट्रीज तीन सौ अट्ठाईस बार अटेम्प्ट किया गया था अदर कंट्रीज के द्वारा है ना अभी हमें ये नहीं पता कि किस कंट्री की बात हो रही है क्या बात हो रही है इतनी चीजें क्लियर अदर कंट्रीज के द्वारा अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखते हैं यहाँ पर देखिए बात क्या हो रही है अगर अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखते हैं तो थ्री ट्वेंटी किए गए थे अटैम्प्ट किए गए थे क्या किए गए थे अदर कंट्रीज के द्वारा टू लैंड अट ऑन दून अब हमें टॉपिक क्लियर हो गया देखो यहाँ पर एक टॉपिक हमें करी जा रही है दैट मीन्स ये टॉपिक हो ना हो आपका किससे रिलेटेड होगा चंद्रयान से रिलेटेड होगा या फिर कुछ ना कुछ मतलब आपके एस्ट्र चंद्रयान वगैरह से रिलेटेड टॉपिक है ठीक है इतना हमें क्लियर हो गया इतनी लाइन पढ़ते ही हमें क्लियर हो गया अब देखो हमें आपको याद रखिएगा आपको रीअरेंजमेंट में आपको ट्रांसलेशन तो करना नहीं है कि आप एक एक शब्द का मीनिंग जानो ओवरऑल बस समझ लो कि पहले पहरा में मतलब पहली वाली लाइन में यहां से लेकर के यहां तक में बात क्या करी जा रही है दैट्स इट दैट्स इट उतना काफी है आप लोगों के लिए बाकी तो भाई आपको दो तरीके से हम अभी बताने वाले हैं चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा देखो दै टू पुट इन टू पुट इट इन परस्पेक्टिव देर हैव बीन थ्री ट्वेंटी सो फार बाई अदर कंट्रीज टू लैंड अ रोवर ऑन द मून एंड हैव सक्सीड ओनली लिटल्स देन हाफ टाइम दैट मींस कि इस चीजों को ध्यान में रखा जाए कि 328 अटेम्प्ट्स किए गए थे अदर कंट्रीज के द्वारा क्या चीज अटेम्प्ट की गई थी लैंड करवाया गया था रोवर को मून पर चंद्रमा पर पहुंचाने को रोवर की कोशिशें करी गई थी एंड हैव सक्सीड उनमें से कुछ ही लोग हैव सक्सीड ओनली अ लिटिल देन हाफ द टाइम मतलब उनमें से कुछ ही लोग ऐसे थे जो कम आधे से भी कम बार सक्सेस पाए थे अब आपके पास जो ए फोर शीट है ना उस ए फोर शीट में आपको बस इतना लिखना है कि थ्री ट्वेंटी एट अटैम्प्ट करे गए थे ध्यान से समझना आपके पास जो ए फोर शीट दिया जाता है ना एग्जाम में उसमें बस इतना लिखना है पहली लाइन ऐसे करके डालनी है फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट डालना है आपको इस तरीके से करके उसमें लिखना है थ्री ट्वेंटी एट अटैम्प्ट शॉर्ट में लिखेंगे 328 ट्वेंटी एट अटेंट्स ठीक डन कंट्रीज यहां पर 328 ट्वेंटी की बात हो रही है बस इतना लिख लो इतना काफी होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप इसे ज्यादा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो बट मेरे ख्याल से एक ओवरऑल पैरा पे, की समरी लिख लेते हैं हम लोग तो 328 ट्वेंटी करवाए जा रहे हैं अदर कंट्रीज के द्वारा और जिसमें से कुछ ही लोग सक्सेस हुए थे एक बात रट गई अब देखो सेकंड पैरा में क्या बात हो रही है द इंडियन स्पेस इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स इसरो इंडिया के इसरो को इंडिया में जो हमारे यहाँ सर्चिंग डिपार्टमेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं इसरो कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उसकी फुल फॉर्म है अब हमें और श्योर हो गया कि भैया यहाँ पर तो चंद्रयान की ही बात हो रही है, है ना तुरंत हमें क्लियर होगा क्योंकि चंद्रमा पर पहुँचाने की बात हो रही थी और यहाँ पर इंडिया भी आ गया तो पक्का है भैया पक्का पता चल गया यहाँ पर टॉपिक क्या हो रहा है मून से रिलेटेड है ठीक अब देखो चंद्रमा को कहाँ से पहुँचाया जाएगा किसी ना किसी एक ऑर्गेनाइजेशन uh, से ही पहुँचाया जाएगा यहाँ पर पूरा फुल फॉर्म दिया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का तो कहीं ना कहीं आपकी पहली लाइन बी बन सकती है अभी लेकिन हमने पूरा पैरा नहीं पढ़ा है, तो हम अभी इस पर नहीं जाएंगे। ठीक है चलो मैम समझ में आ रहा है ना गाइस फटाफट -फड़ से कमेंट करो कि समझ में आ रहा है इतना पोर्शन समझ में आ रहा है इतने में किसी को कोई दिक्कत जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कोई दिक्कत दिक्कत इतने में किसी को दिक्कत है नहीं है देखो आगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द अर्लियर आवर ऑफ सेबर सेवन यहाँ पर बोला जा रहा है इंडियन स्पेस इसरो हिस्ट्री इन द अर्लियर आवर ऑफ सेवन मतलब इसरो की तरफ से इसरो एकदम बहुत ज़्यादा नज़दीक था केम था बहुत ज़्यादा नज़दीक था क्लोज था क्रिएट करने के लिए हिस्ट्री को कब बहुत अर्ली सुबह में सेप्टेम्बर सेवन में सात सितंबर की अर्ली मॉर्निंग में जल्दी सुबह में जो इसरो था वो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री को क्रिएट करने के लिए रेडी था क्योंकि वो चंद्रयान करने जा रहा था अब यहाँ पर समझो पहली की लाइन यहाँ लिख ली थी सेकंड में यहाँ पर लिख लो इसरो का इंट्रोडक्शन हुआ है इसरो के नाम का इंट्रोडक्शन हुआ है इतना आपने यहाँ पर लिख लिया इसरो के बारे में बात हो रही है इसरो के बारे में बात हो रही है दैट इंडिया के बारे में बात हो रही है और इसरो इस नाम को फुल फॉर्म में बताया गया है तो इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है इतना आपने लिख लिया दो पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने अब देखो थर्ड लाइन देखो यहाँ पर इट इज दैट द लेंजर फेल टू टच डाउन अब देखो अभी हमारा पहला वाला तो पहला नहीं बन सकता है ठीक है अभी हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे पहले अभी रीडिंग कर रहे हैं हम लोग थर्ड लाइन को देखिएगा इट इज देखिएगाट दैट द लेंजर फेल टू टच डाउन मतलब ये एक बहुत ही दुर्भाग्यवश बात है है ना यहाँ पर समझिएगा ये बहुत ही दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेट बात है दुर्भाग्यवश की बात है कि जो लैंडर था हमारा वो क्या हो गया था फेल्ड हो गया था क्यों फेल हो गया था वो क्यों फेल हो गया था टच डाउन करने से मतलब मून पर वो टच डाउन नहीं कर पाया था चंद्रयान हमारा प्रॉपर नहीं हो पाया था जी ये एक दुर्भाग्यवश की बात है क्लियर हो गई बात इतनी हाँ या ना फिर देखो इट इज टू रिमेंबर ये हमेशा याद रखा जाएगा दैट द इसरो वाज इसरो ने ये हमेशा याद किया जाएगा कि इसरो ने इसरो ने सबसे पावरफुल लैंडिंग कराई थी पहली बार अब यहां पर समझना आपका पहला वाला जो सेंटेंस है यहां पर फर्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करती हूँ इस सेंटेंस की बात करती हूँ तो इसमें अदर कंट्रीज के बारे में बात हो रही है लेकिन अगर मैं बी वाले पार्ट की बात करती हूँ अगर मैं बी सेंटेंस की बात करती हूँ तो बी वाले सेंटेंस में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बी सेंटेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है थर्ड सेंटेंस में भी आपकी इंडिया की ही बात हो रही है थर्ड सेंटेंस में भी किसकी बात हो रही है इंडिया की ही बात हो रही है मतलब दो पैसेज आपके इंडिया के मिल गए ठीक है चलो आओ अब आगे देखो यहां पर इतना पॉइंट क्लियर अब देखिए व्हेन द रोबोटिक लैंडर विक्रम मतलब इंडिया का जो रोबोटिक लैंडर था उसका नाम था विक्रम व्हेन द रोबोटिक लैंडर विक्रम फॉलोड द प्री डिटर्माइंड ट्रेजिक ट्री एंड केम जस्ट विद इन टू किलोमीटर ऑफ द लूनर सरफेस बिफोर कांटेक्ट वाज लॉस्ट अब यहाँ पर समझिएगा क्या कह रहा है जो हमारा लैंडर था रोबोटिक लैंडर जो था हमारा विक्रम जिसका नाम था विक्रम वो एकदम सही स्थान पर पहुँचने ही वाला था लेकिन दो किलोमीटर पहले वहां पहुंचने के दो किलोमीटर पहले हमारे लूनर का सरफेस का कनेक्शन जो था वो लॉस हो गया ठीक अब आपने फोर्थ पॉइंट पे लिख लिया कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है विक्रम के विक्रम आ, हमारा जो लैंडर था उसके आ, बोला जा रहा है कि वो लॉस हो गया था कब हुआ था बिफोर टू तो किलोमीटर्स ठीक है बिफोर टू किलोमीटर में लिख लिया अब मुझसे कोई अगर पूछेगा बेटा चौथे में क्या बात हो रही है तो मैं बहुत बता दूंगी विक्रम के लॉस्ट होने की बात हो रही है कि दो किलोमीटर पहले उसने जाकर के अपना कनेक्शन खो दिया था ठीक है अब देखो नेक्स्ट लाइन देखो दिस अप्रैल इस अप्रैल में इसराइल ने भी अपना लूनर लैंडर भेजा था ये इसराइल के लूनर लैंडर का नाम है बेरशी ठीक है जो कि क्रैश हो गया था मतलब उसने वो वहां पर सक्सेसफुली नहीं पहुंचा था ठीक अब देखो तीन सेंटेंस आपके इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं बी सी और डी ये तीनों के तीनों के आपके इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है ए सेंटेंस जो है अदर कंट्रीज के बारे में बात कर रहा है अदर e कंट्रीज e के बारे में बात कर रहा है ठीक है और अगर मैं ई सेंटेंस की बात करती हूँ ई सेंटेंस जो है किसके बारे में बात कर रहा है इसराइल के बारे में बात कर रहा है ठीक ये पॉइंट आपने नोट कर लिए अब आइए आगे अब देखिए आगे अब आपके दो सेंटेंस लास्ट हैं अब देखो फिर देखो एफ में बोला आपने इन विक्रम द वैल्यूसिटी अब देखो वेलोसिटी का मतलब होता है वेग बहुत तेज गति में कोई भी चीज़ होना जो विक्रम की वैल्यूसिटी थी वो सक्सेसफुल रिड्यूस फ्रॉम अबाउट सिक्स थाउजेंड पर किलोमीटर मतलब जो इसकी जो स्पीड थी वो सिक्स थाउजेंड पर किलोमीटर की तरफ से स्टार्ट की गई थी ठीक लेकिन तीन किलोमीटर तक जाते जाते क्या होने लगा रिडक्शन होने लगा रिड्यूस होने लगी चीजें कम होने लगी और हमारा क्या हो गया पर सेकेंड पर हमारा क्या हो गया कम्युनिकेशन जो था वो स्नैप्ड हो गया मतलब कम्युनिकेशन हमारा रुक गया अब आपने एफ पॉइंट पे लिखा यहाँ पर एफ में क्या बात हो रही है एक छोटा सा बस समरी ऑफ द पैरा की क्या बात हो रही है उसेंड पर, कि पर किलोमीटर की स्पीड से भेजा गया था सिक्स थाउजेंड पर किलोमीटर की स्पीड से भेजा गया था फिर देखिए जी में क्या बात हो रही है बट अर्लियर जनवरी लेकिन जनवरी के शुरुआत में चाइना ने भी अपना चेंज ई ओवर भेजा था अब देखो जी में बात हो रही है चाइना की अब आपको एक चीज़ समझना है यहाँ पर ठीक है चाइना ने भी भेजा था लेकिन जो चाइना था वो सक्सेस हुआ था कैसे सक्सेस हुआ था क्योंकि उसका साउथ पोल की तरफ चला गया था मून की तरफ ना जाकर के चाइना का जो लैंडर था वो कहाँ चला गया था साउथ पोल की तरफ चला गया था ठीक अब यहाँ पर समझना ये है ऑप्शन ठीक है अब हम पहला एक सिंपल सा फंडा समझना पहले सेंटेंस में अब देखो यहां पर आपको आएगी हेल्प बिल्कुल आप बहुत क्लियरली बहुत प्यार से आप दे सकते हो अब आपको पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैसे पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी देखो पहले में क्या बात हो रही है कि थ्री ट्वेंटी किए गए थे अदर कंट्रीज के द्वारा हाँ या ना जल्दी से मुझे बता दो कि यस मैम आप सही हो कंट्रीज के द्वारा थ्री ट्वेंटी किए गए थे इसके बारे में बात हो रही है सेकंड में आपने इंडिया के बारे में बात करी है मतलब इंडिया के इसरो की बात करी है और इसरो का आपने नेम जो है वो इंट्रोड्यूस किया है ठीक थर्ड पॉइंट पे आपने क्या बात करी इंडिया के अनफॉर्चुनेट सेक्शन की बात करी थी कि इंडिया अनफॉर्चुनेट तो दुर्भाग्यवश इंडिया ने क्या हो गया था इंडिया का जो लैंडर था वो सक्सेसफुली वहां पर पहुंच नहीं पाया था मतलब यहां पर क्या बोला जा रहा है अनफॉर्चुनेट कंडीशन को डिस्कस किया जा रहा है कैसी डिस्कस कंडीशन को किया जा रहा है कि अब देखो यहाँ पर तीसरे में क्या बात करी गई थी यहाँ पर समझिएगा कि अनफॉर्चुनेट था और सबसे ज्यादा पावरफुल लैंडिंग कराई गई थी इंडिया के द्वारा अब आपने यहां पर लिखा इंडिया के द्वारा फर्स्ट टाइम बहुत शॉर्ट में लिखेंगे बेटा क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं हो गया इंडिया के द्वारा फर्स्ट टाइम बहुत ही पावरफुल लैंडिंग कराई गई थी पावरफुल लैंडिंग कराई गई थी यहां पर लैंडिंग की बात हो रही है और क्या हो रही है कि ये जो चीजें थी वो टच डाउन होने से रह गई थी ठीक है फोर्थ में देखिए फोर्थ में अगेन आपने डी के बारे में बात करी है ठीक है कि रोबोटिक लैंडर जो था एक केम करने बहुत एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा था लेकिन हिस्ट्री क्रिएट नहीं हो पाई और दो किलोमीटर पहले हमारा जो कनेक्शन था वो लॉस हो गया आपने यहाँ पर लिख लिया टू किलोमीटर बिफोर कनेक्शन वॉज लॉस्ट लॉस लिख लिया क्लियर अब देखो फिफ्थ में फिफ्थ में आपने किसकी बात करी थी Isra

ठीक है सारे पॉइंट्स क्लियर कि पहले में क्या बात हुई दूसरे में क्या बात हुई फोर्थ में क्या बात हुई सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं ठीक है अब देखो अब इसको करने के दो तरीके हैं पहला तरीका ऑप्शन जब भी कभी आपके पास इस तरीके से फॉर्मेशन पर आएगा इस तरीके से फॉर्मेशन पर आएगा सेंटेंस याद रखिएगा इस तरीके से जब भी आएगा आप पूरी कोशिश करेंगे ऑप्शन से निकालने की अब देखो कल हमने आपको सेंटेंस से निकालना सिखाया था आज हम आपको सिखाएंगे ऑप्शन से कैसे निकाला जाता है समझना आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं ठीक है अब इन चारों में आप कॉमन निकाल लोगे सबसे ज्यादा कॉमन क्या है अब देखो कॉमन कैसे पहले वाले सेंटेंस में बी से शुरुआत हो रही है सेकेंड में आपकी बी से शुरुआत हो रही है ठीक थर्ड में बी लास्ट कर रहा है और फोर्थ में बी लास्ट कर रहा है मतलब मेन आपके पास अल्फाबेट क्या निकल के आया बी ठीक है देखो या तो बी सेंटेंस का इंट्रोडक्शन करेगा या तो बी सेंटेंस का लास्ट करेगा इनमें से एक ही चीज करेगा या तो सेंटेंस की शुरुआत में आएगा बी या तो सेंटेंस की शुरुआत में भी आएगा या तो लास्ट में भी आएगा है ना दोनों तरफ तो आ नहीं सकता तो अब सबसे पहले हम बी लाइन को देखेंगे अब देखो अब ऐसे पोर्शन पर अगर आपने ए फोर शीट पर नहीं लिखा होगा तो आप लोगों को दिक्कत होगी देखो यहां पर समझो अभी बातें मत करो आपस आप में बहुत ध्यान से समझो इतनी बेस्ट मेथड बता रहे हैं कि आप लोगों को एकदम जन्म जन्म के लिए रीअरेंजमेंट याद हो जाएगा कभी भी आप लोग भूलोगे नहीं इतना सुपर सेशन ये बनने वाला है यहां पर सुनो यहां पर सुनो मेरी बात को देखो अभी आप लोगों को थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा कि अरे मैम बहुत लंबा हो रहा है लेकिन जहां आप लोग इस टेक्निक को समझ गए ना गाइस बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा अब देखो आपने जो ए शीट पर पेपर पर पे लिखा हुआ था उसमें क्या लिखा हुआ था बी में इसरो इस के नाम इंट्रोडक्शन हो रहा था हाँ या ना बी में इसरो का नाम इंट्रोडक्शन हो रहा था कि नहीं हो रहा था अब आपके तुरंत दिमाग में गया कि मैम ने बोला था कि पहला सेंटेंस वो बनेगा जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन देगा ठीक टॉपिक का क्या करेगा इंट्रोडक्शन देगा अच्छा ए में अदर कंट्री के बारे में बात हो रही थी है ना अदर कंट्रीज के बारे में बात हो रही थी बी में आपकी इंडिया के बारे में बात हो रही थी सी में अगेन आपकी इंडिया के बारे में बात हो रही थी अगर हमें पैसेज की बात करती हूँ तो देखो यहाँ पर पैसेज की मैं बात करती हूँ तो देखो यहाँ पर बी फर्स्ट में, 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 right? में किसके बारे में बात हो रही थी अदर कंट्रीज़ के, के बारे में राइट सेकेंड में किसके बारे में बात हो रही थी इंडिया के बारे में ठीक है थर्ड में किसके बारे में बात हो रही थी इंडिया के बारे में फोर्थ में आप किसके बारे में बात कर रहे थे इंडिया के बारे में ठीक है फिफ्थ में आपने किसके बारे में बात की आपने इसराइल के बारे में फिफ्थ में आपने किसके बारे में बात करी इसराइल के बारे में ठीक है सिक्स वाला सेंटेंस किसपे था इंडिया पे था अगेन और सेवन सेंटेंस किसपे था सेवन सेंटेंस आपका था किसपे चाइना पर तो अब ये बताओ सबसे ज्यादा टॉपिक किसके बारे में डिस्कस हो रहा है इंडिया 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 और इंडिया मतलब चार वोट इंडिया के हुए टॉपिक इंडिया से शुरू होगा अब जब टॉपिक इंडिया से शुरू होगा आप मून की बात कर रहे हो तो किस में टॉपिक का नाम इं, इंट्रोड्यूस किया गया है सेकेंड वाले में सेकेंड वाले में याद है ना क्या बोला गया था कि इसरो का नाम बताया गया था इंडियन रिस, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स बी से सेंटेंस शुरू होगा क्लियर जैसे ही आपने बोला मैम बी से शुरू होगा तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा फोर्थ ऑप्शन आंसर नहीं होगा कट गया कि नहीं कट गया तुरंत तो यहां पर ऑप्शन क्यों क्योंकि बी से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है जब बी से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो लास्ट में बी आपका नहीं आएगा दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन भी आपका कट गया और फोर्थ ऑप्शन भी आपका कट गया क्लियर हो गई बात हाँ या ना चलो इतना पोर्शन क्लियर है चलो आओ देखो अब इधर समझो यहां पर ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए क्योंकि लास्ट में बी नहीं आएगा क्योंकि बी में आप लोगों ने डिस्कस किया है इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइज रिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप पूरा नाम के साथ आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया और दी गई सेवन लाइंस में चार लाइन ऐसी हैं जो इंडिया के बारे में बात करिए मतलब पूरा का पूरा, पूरा पैसेज इंडिया पर बिलेट करता है अब देखो यहां पर अब बात को समझना बी से आपने टॉपिक की शुरुआत कर दी क्योंकि इसरो के बारे में बात हो रही है ठीक है अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे हम आपको क्या कह रहे हैं ठीक है उसी के हिसाब से चलेंगे अब बढ़ते हैं हम अब फिर से कॉमन पर जाएंगे कि अब इनमें से कॉमन क्या निकल के आ रहा है तो देखो इनमें से कॉमन क्या निकल के आ रहा है बीडीसी का पेयर यहां पर भी बन रहा है बीडीसी का पेयर यहां पर भी बन रहा है ठीक है हमें कॉमन से निकालना है पहला हमने कॉमन निकाल लिया कि बी -बी से कॉमन आपका पहला क्या निकला था या तो बी से शुरुआत होगी या तो बी से एंडिंग होगा तो हमें पता चल गया था बी से शुरुआत होगी राइट right? ऑप्शन आने स्टार्ट हो चुके हैं दैट्स ग्रेट 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 देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम सेकंड होगा कुछ बच्चे ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट होगा एग्जैक्टली फर्स्ट इज द राइट आंसर समझना आप यहाँ पर कैसे देखो बी से आपने बोला मैम सेंटेंस की शुरुआत होगी अब हमने दूसरा कॉमन थिंग ढूंढना दूसरा कॉमन हमारे पास क्या है बी डी सी और बी डी सी तीन कॉमन आ गए मतलब बी डी और सी का तो पेयर बनेगा दैट्स फॉर श्योर चाहे आप पहला ऑप्शन लो चाहे आप सेकंड ऑप्शन लो आपको क्या पता चल चुका है C का तो भैया पेयर बनेगा दैट इज फॉर श्योर गारंटेड है बी डी सी का पेयर बनेगा क्लियर होगी बात हाँ या ना जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि मैम इतना क्लियर है समझ में आई बात हाँ या ना जल्दी से कमेंट करके बताइए बीडीसी इतना क्लियर हो गया क्योंकि कॉमन आपके पास ये निकला है अब देखो कॉमन आपके पास क्या निकला कॉमन आपके पास अब दोबारा देखना कॉमन क्या है यहां पर है ई एफ जी ए यहां पर है ई एफ जी ए और यहां पर है ए ई एफ जी अब यहां पर कॉमन निकालेंगे अपन यहां पर कॉमन क्या है ए ठीक है ठीक ए क्यों क्योंकि या तो ए मिडिल में आएगा या तो सेंटेंस की लास्ट करेगा और जहां ए क्लियर हुआ वहीं आंसर आपके पास आ जाएगा ठीक देखो अगर आप कहते हो मैम ए मिडिल में आएगा दैट मींस फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा और अगर आपने कहा मैम ए मिडिल में नहीं आएगा दैट मींस फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑफ का ऑप्शन नहीं होगा क्लियर है ना इतना पोर्शन आओ जरा देखें कि ए में बात क्या हो रही है बी में आपने क्या बोला कि बी में आपने बोला कि इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इंडियन इसरो को आपने रिलीज किया फिर डी में आपने बोला उसके आपने इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो विक्रम लैंडर था आपने उसके बारे में यहाँ पर बताया कि दो किलोमीटर जा करके कि उसका जो लूनर का सरफेस था वो हमारा डिस्कनेक्टेड हो गया ठीक फिर आपने सी को रखा था सी में क्या बात हो रही थी कि इतना मतलब जो इसरो की तरफ से किया गया तब भी ये दुर्भाग्यवश की बात है कि इसरो ने इतनी पावरफुल लैंडिंग के बावजूद भी वो सक्सेस नहीं हो पाया अब आपके एक का आता है ठीक अब देखो यहां पर ए में क्या बात हो रही है टू पुट इट इन परसपेक्टिव कि अगर इन चीजों को ध्यान में रखा जाए तो 328 ट्वेंटी एट अटेम्प ये गए थे अदर कंट्रीज के द्वारा अच्छा ये चीज मत बोलना यहां पर मंथ उल्टा चल रहा है सेप्टेम्बर से बताया जा रहा है ठीक है अब यहां पर आओ पैसा पैसेज में आओ फिर से आओ ऑप्शन में देखो बी में आपने बोला कि मैम इसरो का इंट्रोडक्शन किया है हमने यहां पर है ना इसरो का इंट्रोडक्शन किया है डी में हमने क्या बोला डी में हमने बोला कि आपने इसरो को यहाँ से लैंडिंग हुई थी लेकिन टू किलोमीटर्स पहले हमारा जो सरफेस का कनेक्शन था वो क्या हो गया था लॉस हो गया था सरफेस का कनेक्शन लॉस्ट हो गया था सी में अगर मैं बात करती हूँ तो सी में देखो यहां पर क्या हमने बात करी थी कि ही दुर्भाग्यवश की बात है कि इंडिया ने इतनी फर्स्ट टाइम पावरफुल लैंडिंग कराई थी पावरफुल लैंडिंग कराई थी ठीक है अब सुनना सुनना ई और एफ में आपने क्या बात करी है ई e में आपने बात करी इसराइल के बारे में जो कि अप्रैल मंथ में हुआ था और एफ में आप क्या कह रहे हो ई e में आपने बात करी थी इसराइल के बारे में इसराइल के बारे में और एफ में आपने क्या बोला था एफ में आपने बोला था ये सारी चीज़ें ठीक कि सिक्स पर किलोमीटर से तो अब ध्यान देना आपने ए में यहाँ पर बोला है बेटा कि 328 अटेम्प्ट्स किए गए थे अदर कंट्रीज के द्वारा अब आप यहाँ पर अदर कंट्रीज़ को शो कर दोगे क्यों क्योंकि बी में तो आपने पूरा इंडिया के बारे में बता दिया अब आप लेकर के आओगे ए को इंडिया के बारे में बात आपने यहाँ पर बोला इंडिया के ने जितनी पावरफुल लैंडिंग कराई थी उसके अलावा 328 कंट्रीज़ ऐसी थीं जिन्होंने 328 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने 328 सॉरी अदर कंट्रीज इतनी थी जिन्होंने 328 बार अटेम्प्ट किया था अटेम्प्ट किया था मून तक लैंडर को पहुँचाने के लिए समझते चलना बी में आपने बोला इसरो के बारे में डी में आपने ये बता दिया दो किलोमीटर पहले जा करके उसका लैंडिंग फेल हो गया सी में आपने बता दिया लैंडिंग क्यों आपको अफसोस हो रहा है कि लैंडिंग क्यों फेल हुआ जबकि इतनी पावरफुल लैंडिंग हमने कराई उसके बावजूद भी हम फेल हो गए अब आपने ए में आ गए आप ए में आपने यहाँ पर बोला कि इतन, जो अदर कंट्रीज थी उनके पास तीन बार उन्होंने अटैम्प्ट किया था अब उनमें से ध्यान रखना क्योंकि बी में आपने सेप्टेम्बर मंथ का जिक्र किया है तो वो कल वाला याद है उन्नीस सौ वाला सेम आप यहां पर टेक्निक अपना दोगे कैसे देखो अप्रैल के सितंबर के पहले क्या आएगा अप्रैल आप अप्रैल वाले को रख दोगे अप्रैल किस में बात हुई है ई में बात हुई है ठीक उसके बाद आप किसको रखोगे जी को रखो किसको रखोगे जल्दी से मुझे बताओ किसको रखोगे जी को रखोगे क्यों क्योंकि जनवरी की यहां पर बात हो रही है तो देखो ए ए में आपने बोला तीन सौ अट्ठाइस बार अदर कंट्रीज के द्वारा किया गया था उसमें से कौन कौन सी कंट्री है पहले आपने इसराइल को रख दिया यहाँ पर इसराइल को हमने क्यों रखा यहां पर रीजन है इसराइल को रखने का क्योंकि मंथ जो है सेप्टेंबर से शुरू हो रहा है सेप्टेंबर से शुरू हो रहा है तो सेप्टेंबर से अगर उल्टा गिनोगे तो सेप्टेंबर के बाद आएगा आपका कौन सा अप्रैल और अप्रैल के बाद आएगी आपकी कौन सी जनवरी जी जो कि है आपकी जनवरी जनवरी आ जाएगा यहाँ पर अब देखो अब सीक्वेंस बढ़ा लो किसमें ये सीक्वेंस है बीडीसी का तो सीक्वेंस सिमिलर था ठीक है बी डी सी का तो सीक्वेंस सि, आपका सिमिलर था उसके बाद देखो ए ई जी कहां पर सिमिलर है तो ए ई जी आपका यहां पर सिमिलर है दैट मीन्स ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर जल्दी से मुझे बता दो खटाक से आंसर क्लियर हुआ या नहीं हुआ जल्दी से मुझे बता दीजिए ठीक है जल्दी से मुझे बता दीजिए कमेंट करके जस्ट डू वन थिंग गाइज कमेंट मी कि यहां पर क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है एम आई क्लियर टू यू और नॉट जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो ठीक है देखो इतना ध्यान रखना कि रीअरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर सिर्फ आपको अपने हिसाब से चलना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के चलना है ये नहीं कि आप अपना तिगड़म कुछ भी लगा दोगे नहीं जिस भी बारे में बात हो रही है उस चीज़ों को इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ए शीट को आप लोग लेकर के ज़रूर आपके एग्जाम में जाते हैं जब आपको मिलती है ए शीट पेपर तो उस ए फोर शीट में आप क्या करोगे आप पॉइंट वाइज बस एक एक चीज लिख लोगे कि ओवरऑल लाइन में बात क्या हो रही है ए में हमने देखा कि बात हो रही थी 328 बार अटेम्प्ट किया गया था अदर कंट्रीज के द्वारा क्या अटेम्प्ट किया गया था चंद्रमा को चंद्रमा को क्या अटेम्प्ट किया गया था देखो यहां पर तीन बार अटेम्प्ट किया गया था क्या अटेम्प्ट किया गया था तीन सौ बार अटैम्प्ट किया गया था अदर कंट्रीज के द्वारा चंद्रमा पर मून चंद्रमा पर लैंडर को पहुंचाने का हमने बस इतना लिखा तीन सौ अट्ठाइस अटैम्प्ट हुए थे अदर कंट्री के द्वारा किस चीज के लिए चंद्रमा पर रोवर को पहुंचाने के लिए दूसरे में हमने बस लिखा इतना कि इसरो का इंट्रोडक्शन हो रहा है और सेप्टेम्बर मंथ की बात हो रही है ठीक तीसरे में हमने क्या लिखा कि इंडिया ने इतनी पावरफुल लैंडिंग कराई थी पहली बार उसके बावजूद भी वो क्या हो गया फेल हो गया ठीक है उसके बावजूद भी वो क्या हो गया फेल हो गया ठीक चौथे में देखो इतना बस शॉर्ट में लिखना है चौथे में देखिए चौथे में आपने क्या लिखा? कि में ने भी ट्राई किया था अब सिलेक्शन उसका हुआ नहीं हुआ लैंडर पहुंचा नहीं पहुंचा मैटर बस इतना देख लिया में बात हो रही है अप्रैल मंथ में इसराइल के लिए बात हो रही है ठीक है अब देखो फिफ्थ में आपने क्या तेड़ लगाई भैया फिफ्थ में बात हो रही है कि छह पर किलोमीटर की स्पीड से गया था लैंडर और उसके बाद तब भी वो सक्सेस नहीं हुआ फिर यहां पर आपने देखा जनवरी जनवरी की बात हो रही है आपको तुरंत एक चीज समझ जानी चाहिए थी जैसे ही आपने पैसेज को पढ़ा अगर मैं आंसर की बात नहीं भी करती हूँ कॉमन सेंस की मैं बात करती हूं तो कॉमन सेंस आपको तुरंत समझना चाहिए था कि मैम बी में बात हो रही है सेप्टेंबर मंथ की ई e में बात हो रही है आपके किस मंथ की अप्रैल मंथ की और मैम एफ में किस में बात हो रही है जल्दी से बताओ जी में बात हो रही है मैम जनवरी की ठीक है तो मैम हो ना हो ई और जी इन ये लोग एक दूसरे के बाद ही आएंगे मतलब पहले बी आएगा फिर ई आएगा फिर जी आएगा अगर मैं पेयर की बात करती हूँ तो यहाँ पर पेयर देखो बहुत स्मूथली आप लोग पेयर बना सकते थे बहुत स्मूथली पेयर बना सकते थे देखो अब दूसरा तरीका देखो पेयर बनाने का ये तो था आपका ऑप्शन से अब दूसरा तरीका देखो पेयर से कैसे बनता है पेयर का मैथड समझना आपने लाइन पढ़ी तब आपको समझ में ये आया कि मैम बी वाले में इंट्रोडक्शन के साथ-साथ सितंबर मंथ की बात करी जा रही है क्लियर इतना क्लियर है अब देखो पेयर का मेथड समझो सब लोग बात नहीं करो समझो बिल्कुल ऑप्शन सही है जिन्होंने भी बोला था ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी मुझे यहां पर बोला था ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर बिल्कुल सही है उनका आंसर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर है समझो यहां पर बी में आपने सितंबर मंथ की बात करी थी ई में आपने किस मंथ की बात करी अप्रैल मंथ की बात करी किस मंथ की बात करी अप्रैल की बात करी ठीक उसके बाद आपने क्या बात करा उसके बाद आप बताओ जल्दी से आपने जी में बात करी भैया जरी के मंथ की तो आप लोगों को ये पता चल गया कि सबसे पहले बी आएगा ई आएगा और फिर जी आएगा अभी आपको ये नहीं पता पहला आएगा दूसरा आएगा तीसरा आएगा लेकिन आपको ये जरूर पता चल गया कि बी के बाद ही ई आएगा और ई के बाद ही जी आएगा क्योंकि टॉपिक का इंट्रोडक्शन सेप्टेम्बर मंथ से हो रहा है चीजें उल्टी रन कर रही हैं क्लियर अब देखो यहां पर आपने बात करी इसराइल के बारे में बहुत सिंपल सा देखो शॉर्टकट बता रहे होगा ये क्वेश्चन और जी में आपने बात करी है किसके बारे में चाइना के बारे में ठीक तो है चाइना कौन सी कंट्री और ये कौन सी कंट्री है ये अदर कंट्रीज में तो आता है चाइना कौन सी कंट्री में आता है अदर ही कंट्री तो है भाई इंडिया का तो पार्ट नहीं है ना ये लोग और इंडिया अलग है ठीक है तो अब समझना तुरंत दिमाग में खटाक से गया कि ए में तो बात करी गई है अगर वो ए फोर शीट में लिखे रहोगे तो आप लोगों को आसानी रहेगी आप लोगों को बार बार लाइन नहीं पढ़नी पड़ेगी याद रखना रीअरेंजमेंट अक्सर बच्चों का इसीलिए छूटता है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं बार बार रीडिंग करते हैं बार बार रीडिंग करते हैं अब आपने तुरंत देखा जो आपके पास ए शीट थी उसमें आपने तुरंत मैच किया कि अदर कंट्री के बारे में हमने कहीं तो पढ़ा था भैया कहाँ पढ़ा था ए में पढ़ा था तो मतलब ए पहले आएगा और उसके बाद क्योंकि अदर कंट्रीज़ आपकी कौन कौन सी है ई और एफ है सॉरी ई और जी है तो अदर कंट्री के बारे में भी तो इंट्रोडक्शन दोगे ना तो ए में आपने इंट्रोडक्शन दिया 328 अटेम्प्ट किए गए थे और उनमें से कौन कौन सी कंट्री ने अटेम्प्ट किए थे आपने बता दिया कि भैया पहले इसराइल ने किया था क्योंकि अप्रैल मंथ सीक्वेंस आप यहाँ पर बैठा ही चुके थे ठीक फिर उसके बाद आपने यहाँ पर लिख दिया भैया जी आएगा क्योंकि अप्रैल के बाद तो जी पहले जी ही आता है तो ये आपको कलर हो गया जैसे ही आपका ई e, ए ई जी का बना था आपको तुरंत समझ जाना चाहिए था कि ए और जी कहाँ पर है केवल यहाँ पर पेयर बन रहा है देखा सिर्फ एक नॉर्मल कन्वर्सेशन से आपने समझ लिया कि पैसेज क्या है पैसेज देखने में बहुत बड़ा था पैसेज देखने में बहुत बड़ा था लेकिन करने का तरीका कैसा था बहुत इजी था बहुत ज्यादा इजी था आपको याद रखना कुछ भी नहीं करना है रीअरेंजमेंट अगर आप सॉल्व कर ले जाओगे ना ये सात नंबर का क्वेश्चन है समझे जरा भी आपने अगर छोड़ने की कोशिश करी समझ लो सात मार्क्स तो आपके गए और वही अगर एक मार्क्स से सिलेक्शन रुकेगा ना तो फिर ये सात मार्क्स याद आएगा कि यार काश कर लिया होता रीअरेंजमेंट वन ऑफ द इजीएस्ट वन ऑफ द वेरी इजी पार्ट इन योर ग्रामर इन योर वी कैन से इन योर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट या फिर वी कैन से इन योर इंग्लिश पेपर दैट्स इट इंग्लिश के पेपर में सबसे ज्यादा इजी पार्ट है आपका रीअरेंजमेंट जिसमें ना तो कोई रूल है ना कोई रेगुलेशंस हैं कुछ भी नहीं है एक जस्ट ट्रिक है ट्रिक क्या है पेयर बनाने की चीजों को पेयर बना दो किसके साथ कौन सा आएगा किसके साथ कैसे कैसे चीजें मैनेज होंगी अगर आपका पेयर बन जाता है दैट्स वेरी गुड अगर पेयर नहीं बनता है आपका तो आप उठा करके ऑप्शन इस तरीके के ऑप्शन आपको पेपर में अगर देगा तो सीधा फंडा अपनाना कॉमन थिंग का जैसे हमने कॉमन क्या निकाला बी और बी यहाँ पर था बी और बी यहाँ पर था ठीक या तो बी शुरुआत करेगा या तो एंडिंग करेगा बी में इसरो के बारे में इंट्रोडक्शन हो रहा था दैट मीन्स आपकी लास्ट में नहीं आएगा तीसरा चौथा ऑप्शन कट गया आपके पास तुरंत एलिमिनेट आपने कर दिया एलिमिनेट कर दिया आपको यह पता चल गया पहले और दूसरे से ही आंसर निकल के आने वाला है फिर आपने जब पेयर आपने ऑलरेडी बना रखा होगा वहां आपने पेयर मैच किया और आपका आंसर खट से हो गया टू हो गया कि नहीं हो गया जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया भैया जल्दी से बता दो बहुत झकास मैम बहुत झकास झगास झगास जगह वेरी गुड गाइज अगर समझ में आया सेशन तो एक कमेंट कर दो मैम झकास बिंदास बढ़िया मज़ेदार कुछ भी ऐसे करके कमेंट कर दो और जल्दी से बता दो कि हाँ भाई समझ में आया ठीक है इसी के साथ आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं अभी चार बजे से मेरी बैंकिंग चैनल पर ठीक है ध्यान से सुनिएगा हम आपको क्या बोल रहे हैं आज आप लोगों के लिए बहुत डबल डोज आने वाली है बहुत ज्यादा डबल डोज आने वाली है देखो आप लोगों का आज संडे स्पेशल क्लास एक और टाइमिंग पर होगा संडे स्पेशल क्लास एक और टाइमिंग पर होगा जो भी हम आपको रिवील कर देंगे वो टाइमिंग क्या है शाम को अभी चार बजे से लेकर के फाइव थर्टी तक दैट मीन्स डेढ़ घंटा वन एंड वन एंड हाफ आवर भैया मैथ्स के जो बच्चे हैं उनको समझ में आएगा डेढ़ घंटे की जबरदस्त धांसू क्लास की कॉर्नर में लेकर के आ रही हूँ आप लोगों के साथ कॉमन एरर को रैपिड फायर टाइप राउंड होगा रैपिड फायर राउंड लेंगे और विद इन थर्टी सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे तो अभी मेरे साथ आप लोग ने ये जो सेशन देखा इसके बाद आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे वाईफाई स्टडी के बैंकिंग चैनल बैंकिंग वाईफाई स्टडी बैंकिंग एग्जाम चैनल पर जिसमें आप लोगों को डेढ़ घंटे का रैपिड फायर राउंड होगा और उसमें भी भैया गर्दा उड़ा देंगे है ना तो चलो मिलते हैं आप लोगों से चार बजे की क्लास में तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन गाइस थैंक यू एंड डू शेयर एंड लाइक डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द सेशन गाइस सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना है जस्ट शेयर द सेशन और लाइक द सेशन चलिए मुलाकात होगी आप लोगों से अभी ठीक चार बजे वाई स्टडी बैंकिंग चैनल पर एरर के टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा रैपिड पॉइंट राउंड के लिए चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों के लिए थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो